हेलो दोस्तों, टेक्निकल एज के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पिक्सल आर्ट से कैसे आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम अपने उस फोटो को ले लेंगे, इस वाले ऐप्स में ओपन कर लेंगे फोटोशॉप पे। इसमें फोटोशॉप पे उस फोटो को हम ले लेंगे। तो मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मुझे ये फोटो करनी है तो मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अपने हिसाब से जो कलर हमें रखना है उस पर सेट कर लेंगे। तो फाइनली मुझे ये रखना है तो मैंने इसको ओके कर देना है। उसके बाद कर देना है इसको सेव, और उसके बाद चले जाना है सीधा अपने पिक्चर आर्ट में, और यहाँ से इसको अपनी उस फोटो को ले लेना है जो हमने बनाई है। तो फाइनली में इस फोटो को ले लेता हूँ और इसको कर देंगे फिर क्रॉप, अपने हिसाब से इसको कर लेंगे क्रॉप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, वो फोटो ले लेनी है जो हमें इसके ऊपर लगाने। तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको कटआउट पे ओके करेंगे और यहाँ से इसको कटआउट कर लेंगे। कटआउट हो चुकी है। अगर इसको थोड़ा अगर कोई कमी दिखाई दे हमें तो हम डायरेक्टली स्टेप से यहाँ से कमी ठीक कर सकते हैं स्टेप से। तो थोड़ा सा स्टेप से ये है, स्टेप से हम बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली ऐसे हम स्टेप से करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब आप देख सकते हैं ये फोटो अच्छे से आ गई। अब इसको हम अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। क्या करना है, इसको हमें सिंपली इफेक्ट्स पे ओके कर देना है और यहाँ से इसका एचडीआर पे चले जाना है और यहाँ से इसको अपने हिसाब से कर लेना है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेनी है थोड़ी सी। उसके बाद सिंपली आपको इस पर कर देना है इसको सेव। अब ये सेट हो चुकी है, उसके बाद कर देंगे इसको सेव। उसके बाद हम इस पर नाम लिख देंगे जिसके लिए हमें ये डीपी बनानी है। तो मैं जाता हूँ टैग्स में, यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ। तो मुझे बनानी है फिलहाल ये फ्रेंड्स का नाम लिख देता हूँ। तो स्टेप से हम उसके बाद यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे अपने जो भी हमें पसंद आए। तो मैं ये फॉन्ट कर देता हूँ ये। ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से कहीं भी रख लेंगे जहाँ हमें ठीक लगे। फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद इसको कर देंगे स्टेप से सेव। फोन चेंज कर लेता हूँ। सेव
सिंपली उसके बाद में यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट नाम को इस पर करके अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर अपने पीएनजी लगा लेंगे। तो मैंने पीएनजी ले रखे हैं ये, तो मैं यहाँ से अपने पीएनजी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ। भी कहीं लगा देता हूँ। ठीक है, इसको हो गया सेट, इसको ओपन कर देंगे ओके। फिर से हम ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइट्स ले लेंगे लाइट कलर। तो मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ अपने और यहाँ से लाइट्स ले लेता हूँ दो। उसके बाद यहाँ से फिर लाइट में जाएंगे, यहाँ से स्किन कर देंगे, इसको भी स्किन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेटअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको हल्का भारी भी कर सकते हैं यहाँ से, उसके बाद इसको भी सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद इसको कर देंगे सेव। उसके बाद फिर से हम जाएंगे अपने टूल्स में और यहाँ से फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और उस फोटो को ले लेंगे जो हमने एडिट किए, एक या दो भाग में ले लेंगे, मैं तीन में ले लेता हूँ। उसके बाद इसको हम अगर यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा लेंगे इस टाइप से। काफी अच्छी लगती है। उसके बाद कर लेंगे इसको सेव। उसके बाद जाएंगे अपने टूल्स को और यहाँ से इस पर क्लिक करके इसका कलर तेज कर देंगे। इससे थोड़ी क्या है कि फोटो में चमक आ जाएगी। सिंपली ये कलर थोड़े ज़्यादा हो गए, इसको कर देंगे हल्का यहाँ से। उसके बाद यहाँ से लाइट्स में जाएंगे और यहाँ से सेट कर लेंगे इसको।
लेफ्ट पर यहाँ से इसको स्क्रॉल करके इस टाइप से से क्या ये फोटो थोड़ी लाइट हो गई है। और फिर से इसको एक बार टूल्स में जाके यहाँ से थोड़ा सा हल्के कर लेंगे कलर। अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से फोटो सेट हो चुकी है और हमारी डीपी बन चुकी है। अब इसको हम क्या करना है, सेव करना। तो सेव करने के लिए ड्रा में जाएंगे और ड्रा में जाके सेव करेंगे, डायरेक्टली ऊपर से सेव नहीं करेंगे वरना फोटो फट जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको 1 पिक्सल कर देंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो अभी जाके दिखा देता हूँ मैं आपको अपनी गैलरी में। ये देखिए मेरी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना।